नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरन और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। अभी भी कहीं न कहीं लोग गरीबी व बजट कम होने के नाते हज यात्रा नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए अल्लाह अकबर इंटरनेशनल ट्रस्ट एंड ट्रेवल्स के माध्यम से पिछले 12 सालों से सामाजिक कार्यक्रम व हज यात्रा का समावेश रखते चले आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार 28 तारीख को मार्गदर्शन शिविर का भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल रहे अभिनेता अली खान और इसी विषय की अधिक जानकारी आयोजक शहनवाज खान ने दी है। गरीब एक हवा से कहता है ऐसा तू जाके कहना, ये पयाम रोते रोते ऐसा तू जाके कहना। हमारा ये जो अल्लाह अकबर इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स 2006 में हमने शुरुआत की थी नेहरू में, अगर घर में आप जाते जब शुरुआत किए थे तो छोटे पैमाने पर हमने ये शुरू किए थे। आज ही के दिन इसको 14 साल पूरे हुए, 28 भारत में जब आए थे हेड ऑफिस पूरा यहाँ से ऑपरेट हो गई, पहले नेहरू से हुआ नेहरू से और आज 28 किलो यहाँ बिलापुर में खारगर में आज 1 साल कम्प्लीट इसका हुआ है। तो हम लोगों ने इतने सालों में यही कोशिश की है कि हाँ हाजियों को हमारी तरफ से कम उसमें अच्छी सहूलत मिले, क्योंकि जब हाजी या उमरा के लिए जाता है तो पहले ये पूछता है कि होटल कौन सी दे रहे हैं, फ्लाइट कौन सी दे रहे हैं, तो ये सवाल ज़्यादा रहते हैं। तो हम इतना कोशिश करते हैं, जैसे बड़े बड़े टूर ऑपरेटर एटलस हो गया वो लोग तो कीमत लेते हैं हाजियों से, इससे कम दर में हम लोग माशाल्लाह वो सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह आज जो ये लोग जा रहे हैं कम ही दरों में इंशाल्लाह अच्छी सहूलत के हिसाब से उनको भेजा जा रहा है, ताकि वो आने के बाद खुद आप हमारे को बताइए कि आपको कैसे हमारी तरफ से अल्लाह की तरफ से रहा गया सर। इसमें बहुत खुशी की बात है कि आज माशाल्लाह 14 साल शहनवाज भाई की टूर एंड ट्रेवल को हो गए, जब इन्होंने पहली दफ़ा शुरू किया था 14 साल कबल भी मैंने आया था और आज गया है। बड़ी अच्छी बात है और बड़े ईमानदारी से काम करते हैं जितने भी लोग हैं, ये जाने का इंतजाम रहने का इंतजाम अच्छे से अच्छी जगह पे। देखिए हर मुसलमान के दिल में होता एक शौक होता है कि मैं कम से कम एक बार हज करूँ उमरा करूँ, एक एक्टर मैं भी एक एक्टर हूँ लेकिन इंसान हूँ, इस्लाम में पैदा हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है। मैंने कई दफ़े शहनवाज भाई से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि पहले आप उमरा करके आइए मुसलमान के, उसके बाद अपने साथ इंशाल्लाह आपको मैच मिलेगी। तो ये सबकी ख्वाहिश होती है और अल्लाह पूरा करता है। अगर मेरी गिनती से अगर आप बतलाना नहीं है क्योंकि मौका ये वक्त ऐसा आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी हज के लिए गया मेरे साथ कई ऐसे लोग हुआ करते थे कि जिनको दुआएं क्या मसाइल क्या नियत कैसी करनी वो उनको बता नहीं था। तो मुझे खुशी ये हो रही है कि शहनवाज भाई ने ये जो नशिस्त रखे ये काबिल तारीफ है और ऐसी नशिस्त वक्तन फवक्तन हज के मौके पे उम्रे के मौके पे रखना चाहिए। क्यों कि जाने वाला बेचारा इतना पैसा खर्च करता है और उसे मसाइल की मालूमात नहीं होती। और दूसरी बात यह कि हज के मसाइल ये ऐसे मसाइल हैं कि ये प्रैक्टिकल में नहीं आते। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि नमाज के अरकान तो आपके ध्यान में आएगा, हम नमाज पढ़ते हैं सब अमल में है मशक में है, मैं तो वह नमाज के शराय तो आपके जहन में आएंगे क्योंकि अमल में है, मैं तो वह वजू के फराइज तो आपके जहन में आएंगे क्योंकि अमल में है,
मैं तो वक्त कोहनियों समेत हाथ धोना तो आप कहेंगे हाँ कोहनियों समेत हाथ धोने हैं यहाँ तक हाथ धोना आपके समझ में आएगा। लेकिन हज के मसाइल ऐसे मसाइल हैं कि हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन हमारे सामने कोई चीज नहीं है। फिर उसके बाद तवाफ शुरू करें। अब तवाफ की इब्तिदा हजरे अस्वद से होगी। जब हजरे अस्वद से इब्तिदा करेंगे हजरे अस्वद से ऐसा होते 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 ऐसा जब हजरे अस्वद के पास आएंगे तो एक तवाफ होगा हमारा। तवाफ का एक चक्कर मुकम्मल होगा। लेकिन अब यहाँ काबिले गौर बात यह है, अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। क्या करते दरवाजा दिख रहा है ना सबको, यहाँ हजरे अस्वद, यहाँ से इब्तिदा करना है। यहाँ से इब्तिदा करते करते जब ऐसा होगा हम आएंगे यहाँ पर तो तवाफ का एक चक्कर मुकम्मल होगा। लेकिन एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद जब हम ऐसा आएंगे अब मैं ऐसा आ गया मेरा दूध इस तरफ रहेगा। लेकिन अब दूसरा तवाफ जब शुरू करना है तो अपना पूरा ऐसा चेहरा जैसे हजरे अस्वद है ना हजरे अस्वद की तरफ करे ऐसा ये तो ऐसा करे हाथ से इशारा करे पोशाक ऐसा होने के बाद फिर अपना शुरू करे समझे। ऐसा ही आए ऐसा ही शुरू करे ये तरीका नहीं। फिर इसी तरह दूसरा चक्कर फिर इसी तरह तीसरा चक्कर इस तरह सात चक्कर जब हो गए तो एक तवाफ मुकम्मल होगा। अभी समझाने के लिए मैं कह रहा हूं ये है काबे की शक्ल, ये है एक कोना, ये है दूसरा कोना, ये है तीसरा कोना और ये है चौथा कोना है ना चार कोने। ये तो हजरे अस्वद यहाँ है, यहाँ पर वो नक्शा नहीं दिया गया है। यहाँ हजरे अस्वद ये पहला है कोना, अब ये है दूसरा, ये है तीसरा। लेकिन इसको रुकने सारिस कहते हैं, रुकने सारिस के तीसरा रुकना कोना कोने से हम काबिल इसको नहीं करेंगे। चले तो काबल आए तो रुक हजरे अस्वद फिर है रुकने सानी फिर रुकने सानिस फिर रुकने सानिस के पास जब आएंगे तो यह रुकने सानिस किताबों में आप पढ़ोगे कि रुकने सानिस तो सोचे कि रुकने सानिस ये क्या ये है रुकने सानिस तीसरा और यह चौथा रुकने यमानी ये चौथा है रुकने यमानी। रुकने सारिस और रुकने यमानी के दरमियान दुआ पढ़ना है। कौन सी दुआ पढ़ना है वो उसमें लिखा हुआ है। फिर चौथा जो है रुकने यमानी चौथा जो कोना है उसको कहते हैं रुकने यमानी। ये रुकने यमानी और ये हजरे अस्वद इनको कहते हैं दो रुकने यमानी, दो रुकने यमानी, दो रुकने यमानी के दरमियान यानी रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान दुआ पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है कि दो रुकने यमानी के दरमियान दुआ पढ़ना है। तो इस तरह सात चक्कर मुकम्मल करें अपना एक तवाफ हो जाएगा। हतीब भी मौका मिला जाने वाले को मन में हतीब काबे से लगकर जो लगे हैं है ना बदलाव में ऐसे अंगों में क्या किया गया है उस तरह उसमें नमाज पढ़े। साहब बताएंगे आपको मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जब आप यहाँ से जाएंगे। तो भाई ये कि हम उमरा के लिए जा रहे हैं और भाई साहब के साथ भी हुआ होगा जब हम बुकिंग के लिए आते हैं तो अलहमदिल्ला कहते हैं कि हमको बस खाना पीना कुछ हमको कुछ नहीं चाहिए आप ले जाओ ये होता है और अलहमदिल्ला ख्वाहिश हमारी यही होती है। लेकिन जो मक्का और मदीने का मौसम है तो मक्का में ऐसा होता है कि बहुत जलाल रब की बारगाह है हर आदमी का जो टेम्परेचर है ना वो हाई रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में तो मदीने की ठंडक है वो तो वहाँ आदमी का टेम्परेचर कम रहता है। बताने का मकसद ये है कि आप जब वहाँ जाएं तो जिस तरीके से आपने जब ख्वाहिश दिल में आपके हुई कि मैं उमरा करूँ तो जो आपका दिल बोल रहा था वो आप हमेशा रखें
ये नहीं कि आप एयरपोर्ट पहुँचते ही आपकी हरकतें शुरू हो जाए कि अरे ये हो गया वो हो गया, ऐसा बोले थे वैसा वो हो रहा है, ये हो रहा है। आप ये सोच के चले, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि गुरु वालों की मैं तारीफ कर रहा हूँ या उनकी हिमायत में बोल रहा हूँ, मैं आपके सफ़र की हिमायत में बोल रहा हूँ। आप दूसरे के चक्कर में अपना सफ़र ज़ाया ना करें। आप जा रहे इतनी बड़ी बारगाह में तो आप सब्र के साथ जाएं। होगा ये कि आप एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ इनके साथी होंगे, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको जाना है। एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ आप कुछ देर ज़रूर गुजारें। उसकी वजह ये है कि हमारी जो मस्जिदें हैं उनको आबाद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو جو اہم باتیں ہیں، جو عمرے کے ارکانات ہیں بتاؤں، آپ لوگ ان عمل کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا معزز گھر خانہ کعبہ کو دیکھے۔ تو جب بندہ جا رہا ہے تو صحیح سرکان بھی ادا کرے تاکہ اسے اس کی سب برکتیں میسر آئیں۔ سب سے پہلی چیز، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ لوگ کو کچھ عمل کرنے ہیں، وہ یہ ہیں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ایک بار آتل کرسی پڑھیں، ایک بار اذا جاء کی سورے پڑھیں، ایک بار چاروں پل پڑھیں، پھر آخر میں بسم اللہ پڑھیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت ان عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باعث سے اس کے سفر کو آسان فرماتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ غریب طبقے کے لوگوں کو حج یاترا کرانا و سماج سیوا پر وشیش دھیان دینا۔ آج کا جو ہے یہ ہمارا پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری ایڈیورسری بھی ہے، اللہ ہمارے ٹورز اینڈ ٹریولس کا جو تھا، یہ آپ شاید اٹینڈ کیے ہوئے تھے اس وقت، یہ خارگر میں ہمارا یہ ہیڈ آفس ہم نے شروع کی ہے، آج اس کی ایڈیورسری ہے، اور ہم نے 2006 سے ہم نے شروع کیے تھے، ٹوٹل 14 سال یہ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اللہ اکبر ٹورز اینڈ ٹریولس سے ہم نے یہی کرایا ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو، جن کو اللہ کا گھر دیکھنا ہے اور جن کو نصیب نہیں ہو پاتا پیسے کی کمی کی وجہ سے یا کچھ وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے بڑھ کر ان کو کم رقم کے اندر اچھی سہولت دینے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ انشاءاللہ جا کے آنے کے بعد ہماری سہولت اور ہماری فیسلٹیز کی بہت اچھی طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو پتہ نہیں رہتا کہ وہاں جا کے عمرہ کیسا کیا جاتا ہے، تو یہ میرے خیال سے کوئی ٹور آپریٹر رکھتا نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو پہل کیے ہوئے، کیوں موسٹلی جو یہ جو رہتا ہے مارگدرشن شبیر پرشکشن شبیر، یہ حج کے وقت ہوتا ہے، تو حج کے وقت وہ پراپر حج ہوئے اس کی وجہ سے یہ رکھا جاتا ہے، لیکن عمرہ کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں رہتا کیا، اگر ٹور آپریٹر کے ساتھ وہاں گائیڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹور آپریٹر وہاں گائیڈ نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ تو برابر صحیح طریقے سے عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میری کوشش رہی ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے برابر عمرہ کر سکے، تاکہ وہ پیسہ خرچہ کر کے اتنے دور جاتے ہیں تو صحیح عمرہ وہ کر سکے۔ ہاں، اس یاترا سے میں یہ ان لوگوں کو شبھ کامنائیں دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی کا بھی، عید میلاد النبی کے لیے بھی گروپ جا رہا ہے، تو ان سب کو جو ابھی جانے والے اور عید میلاد النبی میں جانے والے ان سب کو میری اللہ اکبر ٹورز اینڈ ٹریولس سے بہت بہت شکریہ۔ اور اس شبیر کے دوران ابھینیتا علی خان نے بھی اپنی رائے نویمبے آواز ساتھ ویکت کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دوں گا، میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب انہوں نے نیرول میں شروع کیا تھا، تب بھی میں آیا تھا، آج تقریباً 12 سال ہو گئے، اور ان کی محنت آنیسٹلی اور جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، لوگوں کے بجٹ میں کام کرنا، یہ سب سے بڑی بات، تو یہ دعائیں ملتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر طے کیا، اور پروفیشنلی تو میں ایک ایکٹر ہوں اور فلموں میں کام کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک دل میں احساس جگا کہ مجھے بھی اس سال عمرہ کرنا چاہیے، آنے والے وقت میں حج بھی کروں گا، تو ایسی کوشش ہوئی، اور ان کا اچانک کل یا پرسوں فون آیا، تو میں بالکل خوش ہو گیا، اور بغیر لیٹ کیے ہوئے میں یہاں اس فنکشن میں پہنچا، اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور ایسا ہے کہ بہت نیک کام ہے، یہ بہت پاک جگہ ہے، وہ وہاں جانے کے لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اس در پہ حاضری ہو۔ نہیں، میں نے بتایا نا کہ اللہ اکبر انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریول جو ہے، یہ بہت ہی لوگوں کے بجٹ کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی سہولیات کا خیال کرتا ہے، کہ ان کو ان کے بجٹ میں ان کے حساب سے اور جو سویدھا ہو سکے،
وہاں پہ فلائٹ سے لے کر کے جہاں ٹھہرنے کی بات ہے, ہوٹل کی, کھانے پینے کی, ان کے لانڈریز کی, تو یہ ساری چیز کیئر کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ لوگ ان کے پاس جڑ رہے ہیں اور لوگ بے تحاشا آ رہے ہیں جانے کے لیے. بیورو جرنلسٹ ارباز ساٹھی کے ساتھ سویتا بھوئر کی رپورٹ.